दिल्ली सरकार और एलजी में फिर तकरार। एलजी ने केजरीवाल को दिया बड़ा झटका। एलजी विनय कुमार ने लिया कैसा एक्शन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दोनों के बीच किसी न किसी चीज को लेकर तकरार सामने आती ही रहती है। इस बीच खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी 2024 पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। दरअसल केजरीवाल सरकार का इस पॉलिसी को लेकर प्लान था कि नई सोलर नीति के जरिए लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों का बिजली बिल जीरो हो जाएगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 पर रोक लगा दी है। एलजी ने सरकार की इस फाइल को रोक दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इसे लॉन्च किया था। पॉलिसी के तहत दिल्ली के सभी लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। केजरीवाल ने इसको लेकर क्या कुछ बताया था, सुनिए। मैं आप कह रहे थे कि कहाँ पे अप्लाई करना होगा, कहीं अप्लाई करना होगा, जितना भी होगा आपका बेनिफिट कैपिटल सब्सिडी या जनरेशन, वो आपके डिस्कॉम के बिल में एडजस्ट हो जाएगा या आपके खाते में डिस्कॉम जमा कर देगी। आपको किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी पोर्टल में जाके अपने पेपर नहीं सबमिट करने, बस आपको एक एम्पैनल या टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर से अपना पैनल लगवाना है और डिस्कॉम आके ही उसे इंस्टॉल करवाएगी। जब नेट मीटर लगाएगी तो वहीं से आपका बेनिफिट आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सरल सिंपल आप प्रोसेस। वेबसाइट पे गए, आपने देखा ये लिस्ट है कंपनियों की, उनमें से किसी को भी फोन किया जहां आपका मन करे, उसको फोन करके बुलाया उस वेंडर को कि मेरा पैनल लगा जाओ, वो पैनल लगा के जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है, दिल्ली में आपको जानते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल जीरो आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है, 50%, और 400 यूनिट से ऊपर वालों का पूरा बिल आता है। तो 201 से 400 वालों पार्टली सब्सिडाइज्ड है और 400 के ऊपर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती। इस सोलर पॉलिसी के तहत जो जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 वालों का भी जीरो हो जाएगा और 400 के ऊपर वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो जितने लोग इस पॉलिसी को लागू होने के बाद, दिल्ली के सारे रेजिडेंशियल लोगों का बिजली का बिल जीरो हो सकता है, चाहे आप 2000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 800 यूनिट इस्तेमाल करो। ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का टेक अवे है।